है ना इज अ ग्रेट बेट अगर आप एक्चुअल में दिवाली गिफ्ट्स ढूंढ रहे हैं. ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने घर में इस्तेमाल करता है. एंड ऑफकोर्स हर किसी के टेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी. अब टेस्ट की बात करें तो भूख तो लगेगी ना, क्योंकि हर चीज़ टेस्ट की जो होती है वो खाने से रिलेटेड तो होती है. तो चलिए डब्बा खोल लिया है हमारी डॉक्टर ईशानी ने, इंतजार किस बात का. डॉक्टर ईशानी यानी कि सुरभि, और आज मेरे कमरे में आ गए हैं सास बहु साजिश के साजिशकार. हाँ आ गए हैं. और देखो इतनी गलत टाइम पे आए हैं. पीपल नो दैट आई लव फूड, और इस टाइम पे आए हैं जब लंच आवर है. बट मैंने आज स्पेशली अपना डब्बा अभी तक खोला नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे दिखाना था कि मैं लंच में क्या खाऊंगी आज के दिन. दिस इज़ अ टिफिन जो गर्म होता है, यहाँ पे लगता है और हीट होता है. तो आज लेकिन मेरे घर से, क्योंकि 7 बजे की शिफ्ट थी, तो घर से ना एकदम गरम गरम खाना आया, मेरी माँ ने भेजा है बड़े प्यार से. तो हम देखते हैं कि मेरे टिफिन में आज लंच में क्या है. ठीक है, पर शेयर तो मैं बिल्कुल भी ना करूँ, बिल्कुल भी ना. ओके, लेट्स ओपन दिस. पालक पनीर आया है, पनीर हैज प्रोटीन इसलिए. दूसरी चीज आई है, ओहो ये कुछ तो अलग ही लग रहा है. ओह चने, सो चने अगेन हैज अ लॉट ऑफ प्रोटीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तरी वाले चने आए हैं और साथ में आए हैं सफेद चावल गर्मा गर्म. सो यू नो व्हाट, मैं यू नो बता भी रही थी कि आई एंजॉय वाइट राइस, मुझे सफेद चावल बहुत पसंद है. बट देर आर डेज व्हेन आई टीम खाना विद माई किनुआ, कभी सफ़ेद चावल. तो आज मम्मा ने चनों के साथ सफ़ेद चावल दिए हैं और पालक पनीर दिया है. एंड आई एम गोइंग टू रिलिश दिस. वाओ भूख लग रही है मुझे. दिस इज रॉन्ग दैट रोटी राइस अवॉइड करना चाहिए. मैं सब में नहीं मानती. हाँ मैं ऑफकोर्स रोटी अवॉइड करती हूँ, ग्लूटेन अवॉइड करती हूँ, बट मैं दूसरे तरीके की रोटी खाती हूँ. मेरी मम्मी कभी बाजरा की बनाती है, कभी मिक्सर बनाती है नाचनी का, कभी कभार शी मेक्स यू नो राजगिरी जो हम लोग नवरात्रों में खाते हैं उसका आटे की रोटी बनती है. एंड तो वंस इन अ वाइल ऐसी रोटी बनती है. एंड यूजुअली मैं ये डबल बॉयल राइस खाती हूँ या सिंगल बॉयल भी, जिसमें पानी निकाल दिया जाता है, स्टार्च निकाल दिया जाता है. सो दे आर जस्ट सिंपल और ये पानी में बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि ये पानी सोक किया हुआ है. सो आई थिंक नहीं नहीं पैन में, पैन अजन वो जो आपका सॉस पैन होता है उसमें आपने चावल डाल दिए, भर के पानी भर दिया एंड उबाला उबाला उबाला, और उस पानी के उबालने से ही ये चावल बनते हैं. और टॉप अप करते रहो पानी को जब तक चावल आपके बन ना जाए, एंड देन जस्ट गेट रिड ऑफ द वाटर. सो राइस इज व्हाट आई ईट यूजुअली. देर आर डेज आई ईट किनुआ. सो और रोटी तो मैंने आपको बताई है कि मिक्सर रोटी बनती है, कभी कुछ बनता है कभी बनता है. आज ट्यूजडे है, हनुमान जी का दिन है, सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव नॉन वेजिटेरियन. बट आई लव नॉन वेजिटेरियन, आई थिंक इट ऑल्सो गिव्स यू दैट प्रोटीन दैट इज़ नीडेड. बट ऑफकोर्स वेजिटेरियन में भी बहुत कुछ हैं चीज़ें जो प्रोटीन देती हैं. आपके चने आपके सामने हैं, मेरे आज पनीर मम्मा ने दिया है. सो आई एम गोइंग टू रिलिश दिस. आज मेरी सात की थी काफ़ी टाइम के बाद, तो सात की शिफ्ट में मैंने आज लिटरली बहुत कम खाया, सिर्फ एक कॉफ़ी पी है एंड थोड़ा सा पोहा खाया, बिकॉज लास्ट नाइट मैंने थोड़ी चीटिंग कर ली अपने मम्मी पापा के साथ बाहर खाना खाते, दैट गॉट वेरी लेट 10:30-11, तो उठते ही इमिडिएटली आई कांट ईट. मुझे चाहिए आराम से ब्रेकफास्ट एट अराउंड 10:30, उससे पहले मुझसे नहीं खाया जाता. एंड इट्स यूजली वेरी लाइट, इट्स आइदर मैं हमेशा बोलती हूँ या तो मैं साउथ इंडियन खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो यूजली इडली होती है, कभी पोहा होता है,
when I want to have something lighter, then it's poha. When I want to, so there are days kabhi wo doi banati hain, besan ki doi ya kuch na kuch different dals ki doi bana deti hain chutney ke saath. To kuch kuch hota hai. And diet mein कोशिश करती हूँ कि जैसे दिन में अभी जैसे टाइमली खा लिया और ब्रेकफास्ट भी टाइमली खा लिया, शाम को बस थोड़े से फ्रूट्स खाती हूँ मैं, जो बहुत गलत टाइम है खाने का, बट आई लाइक इट इन द इवनिंग. और घर जाने के बाद अगर तो बहुत कुछ क्रेविंग हो रही है तो कुछ लैविश खाती हूँ, नहीं तो आई एम ओके विद जस्ट सिंपल सूप और थोड़े से चिकन के पीसेस या पनीर के पीसेस एंड ऑल ऑफ दैट, या थोड़े से फिर चावल खा लिए. बट कोशिश करती हूँ कि फटाफट खा लूँ, लाइक आई कीप अ गैप बिटवीन माई ईटिंग एंड माई स्लीपिंग. तो अगर मैं साढ़े ग्यारह बारह के आसपास सोने वाली हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 9:30 तक खा लूँ, बट वो पॉसिबल होता नहीं क्योंकि 9 की शिफ्ट करते हैं हम. आज आई एम होपिंग कि मैं टाइमली खा लूँ. सो बट यस, आई एन्जॉय एवरीथिंग, आई लव फूड, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सब खाऊँ. आजकल तो मेरा पिलाटिस भी बंद है, तो क्योंकि हमें बैंक बना रहा है, दिवाली आ रही है, बहुत सारा काम करना है, तो इसलिए काफ़ी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, बट एटलीस्ट कोशिश करती हूँ कि अपने खाने में थोड़ी तमीज ले आऊँ. इनको शर्म आ नहीं रही है, मैं खा रही हूँ, मेरे खाने के वक्त में मेरे को इंटरवीन किया. अब बोलते हैं ये खा लिया ना, अब दूसरा डब्बा दिखाओ. चलो कोई चांस, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो दिखाना ही पड़ेगा. सर दो सर को ना बोल के मेरे को अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है. यस, सो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई हैव. हाँ, फाइनली मेरा लंच ख़त्म एंड आई हैड अ वेरी गुड मील. आई डोंट नो टाइम कितना है, आई थिंक 2:30 हो गए हैं. तो अब जैसे ही मेरा शॉट लगेगा, आई थिंक उसके आधे घंटे बाद, समवेयर अबाउट 3:34, मैं अपनी ग्रीन टी पीऊँगी. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टीज रखती हूँ, लेमन एंड जिंजर रखती हूँ. देर इज़ अ टी विच इज़ अ मिक्सड हर्ब टी, कहवा टी, और ये मेरे कप्स हैं. आप जानते हैं नमित मेरे जो हीरो हैं बहुत ही फिट हैं. मैं पिछले शो से ही परेशान आती आई हूँ, पहले नकुल इतने फिट थे, अब नमित इतने फिट हैं, तो मेरे लिए कंपटीशन हो जाता है कि भैया मुझे भी फिट रहना पड़ेगा, बिकॉज हीरो फिट है. एंड फॉर मी आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फूड हैबिट्स. मुझे ना ऐसे नॉर्मली नट्स खाने का शौक है नहीं, मतलब मेरे को फोर्सफुली सुबह सुबह खिलाया जाता है बादाम और किशमिश जो रात को भिगोए होते हैं. तो मेरे मम्मी पापा बहुत स्मार्ट है, मतलब उनको लगता है वो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, तो ऐसे पोहे में मिक्स कर देते हैं. आप देख सकते हैं ये बादाम दिख रहा है आपको, पहल तैरता हुआ बादाम, तैरता हुआ वॉलनट, किशमिश मैं खा चुकी हूँ. तो इसमें 3-4 ऐसे नट्स होते हैं एंड दे मिक्स इट विद एनी काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट आई डू. ये है मेरे मखाने जो मैं शाम को खाऊँगी अगर मुझे बहुत भूख लगी तो. एंड आजकल मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो मेरी मम्मी ने गले की दवाई दी हुई है, कफ सिरप है. मतलब बेचारे सब करते हैं. दिस इज़ माय फ्रूट्स का डब्बा, विच इज़ अ यूजुअल फ्रूट्स का डब्बा. इसमें दिखाती हूँ मैं, दिस इज़ अ फ्रूट फ्रॉम स्विस. मैं हज़ार बार बोल चुकी हूँ, मेरी बहन स्विस फ्लाई करती हैं, तो हमारे लिए बहुत अतरंगी टाइप के फ्रूट्स लाती है. इसमें अमरूद भी है और ड्रैगन फ्रूट फ्रॉम थाईलैंड. बाकी सब अपने इंडियन माल है, अपना एप्पल, पेयर, आई थिंक दिस इज पेयर ओनली, यस, केला, तो सब इंडियन माल है, अमरूद. बाकी थोड़ा सा बाहर का भी माल. तो आई एम अ देसी एंड विदेशी. तो दैट्स माई डब्बा. एंड बास्केट नहीं है यूजुअली, बास्केट में और वो जो भेल होती है ना, तो मम्मी घर पे बना देती है उसको, कड़ी पत्ता और मिर्ची विर्ची डाल के, तो वो भी एज अ इवनिंग स्नैक इफ आई एम फीलिंग वेरी हंग्री. दैट्स माय कॉफ़ी कप, यू ऑल कैन सी इट. इसमें मेरे सुबह पापा मस्त रोस्टेड कॉफ़ी बनाते हैं. सो दैट्स ऑल आई हैव टुडे.